बारे में तो लोग बहुत कुछ जानते हैं, फिल्म के रोल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो रिस्क नाम है, आपने अपनी जिंदगी में और कितने रिस्क लिए हैं इस फिल्म के अलावा? मेरे ख्याल से मैं यहाँ तक जो हूँ, अभी खड़ा हूँ, ये रिस्क ही है, क्योंकि ना मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ और जो मैं नाटक करना चाहता हूँ वो करने के लिए भी रिस्क ही लेनी पड़ती है, क्योंकि उतना पैसा वहाँ पर है नहीं। यहाँ आने से पहले मैं क्रिकेटर था और क्रिकेट छोड़ना भी एक अपने आप में रिस्क थी, वो ले चुका हूँ। तो और जब भी मेरी फिल्म हिट हुई या जिस फिल्म में मैं था वो फिल्म हिट हुई, उस कारण और 5 रोल आए, और तभी ना कहना भी एक रिस्क थी, और ना इसलिए नहीं कहा कि मुझे बहुत सारा काम नहीं करना था इसलिए मैंने, तो रिस्क पर वो रिस्क ऐसी रही मेरी ज़िंदगी, मुझे ऐसा लगता है कि एक रिस्की है लाइफ। मतलब तो क्या आज जो हमने फिल्म की है, क्या ही लगता है ये रिस्क है? मुझे नहीं लगता ये फिल्म रिस्क है, आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अ सेफ फिल्म इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक उसका जो जॉनर है उसमें वो वैसी फिल्म बनाई गई है और वो एक्साइटिंग होगी मेरे ख्याल से, एंड स्पेशली रणदीप हुडा हु इज अ फाइन एक्टर एंड ही इज प्लेइंग द लीड एंड वीके कमिंग बैक, आई थिंक इट विल बी अ इंटरेस्टिंग, और वही वो उसका हीरो और विलन का जो एक इंटरेस्टिंग अंडरवर्ल्ड का है, वो मुझे लगता है कि वो ड्यूअल जो है वो एक कैच रहेगा। एंड एज ओल्ड हमने देखा है कि हिंदी फिल्मों में विलन और हीरो के बीच की बातचीत सबसे इंटरेस्टिंग होती है ना, तो मुझे लग रहा है कि इसमें वो हीरो और विलन की जो बातचीत है वो करेक्ट चली जाएगी। हाँ मतलब अच्छी बात है, पर चटमंगनी पट बिया अगर हो रहा है, पर मुझे लगता है जैसे हमें, मुझे अक्सर पूछा जाता था ये स्क्रिप्ट तुमने 10 दिन में लिखी, कैसे लिखी, तो मैं कहता था 10 दिन लिखने में लगे पर उसका कब से थॉट प्रोसेस शुरू हुआ था। सो इट मे कम अप एज यू नो चटमंगनी, मे बी दे मस्ट बी थिंकिंग अलॉट, आई थिंक आई मीन वंडरफुल पेयर, आई हैव ऑल गुड लक विशेस टू देम, क्योंकि एक्ट्रेसेस है ये जो हम कहते हैं कि हमारा जो अंदर जिन्होंने काम किया हुआ है और तन मन धन से किया हुआ है काम, तो वो छूटता नहीं है, यू नो हम उस कभी कभी प्रायोरिटी जिंदगी को लाते हैं और जिंदगी को शादी करके फिर, और जहाँ तक एक्ट्रेसेस का सवाल है, दे घर गृहस्थी बच्चा वो सब करके करना पड़ता है, तो वो एक उसमें पूरा चला जाता है हिस्सा, एंड देन स्टिल आफ्टर दैट they are strong, that they can come back and their husband support them, the family system supports them and they can come back, and it's wonderful that in today's time after a marriage they can come back and film industry accepts and audience also accepts them and they are ready to watch them. I think what more we want, ye to pehle ke zamane mein shaadi hui khatam hua, wo hisab tha, I think we are in the better times.